दोस्तों यहाँ पर हर एक प्रकार के यहाँ पर टॉफी मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर इक्लियर्स मेलेडी, यहाँ पर सब टोटल आइटम मिलने वाले हैं। टू जेड 100 से ज़्यादा आइटम यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। आइटम इतना सारा आइटम दिखाते दिखाते थक जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बोरा का बोरा यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं 10 के जी का ये बंडल। वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों। आज हम चॉकलेट फैक्ट्री के रास्ता बताने वाले हैं। जो फैक्ट्री है चॉकलेट बनाने वाली, उसको जाने का रास्ता कहाँ दोस्तों। और चलिए हम निकलाते हैं। अभी हम यहाँ देख सकते हैं पटना साहिब स्टेशन पर। अभी वहाँ से लेकर हम थाना तक जाएंगे और वीडियो के अंदर पूरा आपको बताया जाएगा दोस्तों। जिस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पटना साहिब स्टेशन देख सकते हैं, यहाँ पटना साहिब स्टेशन है यहाँ पर। तो वहाँ से हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर पुल दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. देख सकते हैं हम लोग उतर चुके हैं यहाँ से, और यहाँ से उतर कर इधर जाना है सीधे जो आता रहा। Turning truth to lies, gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. यही है दोस्तों, देख सकते हैं रेड कलर का जो फैक्ट्री है यही। हम फाइनली चॉकलेट फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। तो ये अंकल जी मिले हुए। अंकल जी आप कहाँ से आए हुए हैं? कलकत्ता से आ रहे हैं तो यहाँ पर माल लिखाने के लिए। और इसका माल का क्वालिटी कैसा है बताइए पहले? बहुत बढ़िया है जी। देख सकते हैं दोस्तों कलकत्ता से आए हुए हैं। यही है जो फैक्ट्री जो बार बार आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं फैक्ट्री। देख सकते हैं यहाँ पर सब 10 के जी का रहता है, जो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 10 के जी का बंडल रहता है, यहाँ पर वजन होकर इसी से दिया। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हर एक प्रकार के यहाँ पर टॉफी मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर इक्लियर्स मेलेडी, यहाँ पर सब टोटल आइटम मिलने वाले हैं। 200 से ज़्यादा आइटम यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। आइटम इतना सारा आइटम दिखाते दिखाते थक जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बोरा का बोरा यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं 10 के जी का ये बंडल होता है। और दोस्तों ये फैक्ट्री का आने का रास्ता आप लोग को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, और हम देख सकते हैं कोई स्टिकर मिल रहा है।
और यहाँ पर देख सकते हो अभी स्टिकर मिल रहा है, यहाँ पर घोड़ा में भी रखा गया है। यहाँ पर कमेंट कर रहे थे चॉकलेट फैक्ट्री जाने का रास्ता कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों आज हम दिखला दिए आप लोग को पूरा इस वीडियो में कि पटना साहिब स्टेशन से किस तरह फैक्ट्री में आना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये फैक्ट्री में अभी आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।